फिलअप कराते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस यहाँ पे टंकी हो चुका है फुल और अभी आया है 1150 का पेट्रोल और पहले से गाड़ी में पेट्रोल था इसलिए। गाइस क्योंकि माइलेज भी निकालता जाना और अकेले हूँ तो थोड़ा सेफली भी चलना है तो चलता हूँ मस्त। तो गाइस रांची 125 किलोमीटर यहाँ पे लिख रहा है और यहाँ पे लिख रहा है 149। तो ये मेरे साथ हो रहा है गाइस स्कैम। अब पता नहीं ये स्कैम कब तक चलने वाला है। बाकी अब यहाँ से रूट जो है गाइस काफ़ी अच्छा है। तो क्या भाई सोचो अकेले तुम्हारे लिए चल गए, अरे गया से आ गए। तो हे गाइस वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। इस वीडियो से कैसे हैं आप सब चीज मैं भी अच्छा हूं। तो गाइस आज की वीडियो से आएगा कि मैं कुछ दिन पहले एक ब्लॉग डाला था राइड वाला, तो फाइनली गाइस आज मेरा राइड स्टार्ट होने जा रहा है और मैं गाइस जा रहा हूं आज सोलो राइड करके गया टू रांची। तो लगभग 220-230 किलोमीटर का डिस्टेंस है गाइस, तो मैं चलूंगा अकेले आज जाऊंगा। मैं पहली बार इतना दूर अकेले जा रहा हूं, मतलब पटना वगैरह तो मैं अकेले आया हूं, गया आज तक नहीं था, बट आज रांची में पहली बार अकेले जाने वाला हूं। तो अभी चलता हूं गाइस, सब कुछ पैकिंग वगैरह बैग वगैरह हो चुका है और काफी दिन से अमन बुला रहा था तो मैं सोचा क्यों ना चले जाए। और रांची में भी जैसे कि आप लोग जानते हैं कि खतरनाक रोड है गाइस वहां पे, तो मस्त मस्त ब्लॉग आप लोग को देखने को मिलेगा रांची का। तो चलते हैं गाइस अभी निकलते हैं, मैं रेडी हो चुका हूं और निकलने का टाइम तो 10:30 बजे ही था बट अभी का टाइम 12:30 हो चुका है। आप देखते कितना देर में निकलते हैं और फिर मिलते सीधा आपसे मोटर से, बाकी का बात पूरे रास्ते करते चलेंगे। बस फाइनली घर से निकल चुके हैं और गाइस कल जाके देख सकते हैं इसमें क्या क्या काम कर रहा हूं मैं। यहां पे एक मोबाइल माउंट भी लगा लिया, जैसे कि मेरा पहले भी यहां पे मोबाइल माउंट लगा हुआ था बट उस पर एक बार फोन गिर चुका था दार्जिलिंग राइड पे, तो इस बार मैं लगाया हूं गाइस BHDP का मस्त दम ये वाला है। तो अब देखते हैं इसका परफॉर्मेंस कैसा रहता है। बाकी आज मैं कल लगाया हूं, अभी तक इसमें मोबाइल भी नहीं लगाया हूं। तो अभी मैं घर से निकला हूं, सबसे पहले चलता हूं पेट्रोल पंप और इसमें फिल अप कराता हूं टंकी को फुल, उसके बाद फिर निकलता हूं। और मैं सोच रहा हूं गाइस नॉन स्टॉप मारने के लिए, मतलब एक बार भी रुकना नहीं है यहां से रांची जाते तक। तो देखते हैं क्या होने वाला आगे, अगर मन करेगा कहीं रुकने का तो रुकूंगा, वैसे भी अकेले हूं तो मन नहीं करेगा, अगर साथ में कोई होता तो जरूर रुकते हैं। तो चलते हैं पहले फटाफट फिल अप कराते हैं और फिर निकलते हैं यहां से। तो गाइस यहां पे टंकी हो चुका है फुल और अभी आया है 1150 का पेट्रोल और पहले से गाड़ी में पेट्रोल था इसलिए। तो अब यहां पे करते हैं पेमेंट और निकलते हैं यहां से। फ्यूल वगैरह करा के निकल चुका हूं और अभी यहां से गाइस मैप वगैरह मैं इसलिए नहीं लगाया हूं क्योंकि बड़ी तक तो मेरे को रास्ता देखा हुआ है, बड़ी के बाद मेरे को प्रॉब्लम होने वाला रांची जाने में, क्योंकि बड़ी के बाद मेरे को रास्ता नहीं देखा हुआ क्योंकि बड़ी तक मैं काफ़ी बार गया हूँ तो वहाँ से रास्ता पता है कि राइट साइड से कटता है, बट वहाँ जाने के बाद मैं मैप सेट कर लूँगा रास्ता में रुक के, कहीं पर भी माउंट में लगा लूँगा मैं मोबाइल को। बाकी अभी चलते हैं गाइस, मस्त निकल चुके हैं और अभी का टाइम भी हो चुका है 1:15, तो देखते हैं कब तक पहुँचते हैं रांची। वैसे मेरे को कोई भगाते जाना है नहीं, आराम आराम से चलना है, मस्त अमन के पास तो जाना है। और अमन को कॉल कर दिया था मैं कल ही कि मैं आ रहा हूँ, अभी तक वो उठा भी नहीं है लगता है, कॉल भी नहीं किया मेरे को, तो करेगा तो उसको मैं बता दूंगा कि मैं निकल गया। मैं तो सोच रहा हूँ उसको सरप्राइज़ दे दूँ कि वहाँ रांची में पहुँचा हुआ रहूँ और उसको मैं बोलूँ कि मैं नहीं आ रहा हूँ, ऐसा उसका रिएक्शन देखते क्या होने वाला है। काफ़ी गाली देगा गाइस क्योंकि कल ही मेरे से पूछ रहा था कि आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, कंफर्म बताओ, चौपा मत देना बाद में। तो बोल नहीं भाई आ रहे पक्का, अकेले ही आ रहे हैं बट आ रहे हैं। गाइस जाते जाते अपने कैफे पे भी रुक गए थे, वहाँ से फ्यूल वगैरह करा के निकले थे, तो देख सकते हैं यहाँ पे मस्त स्टिकरिंग वगैरह हो रहा है, आ तो गया इतना मस्त कलर आ रहा है, और क्या खोज रहे हो, लग जाएगा बैठा के सही से बैठा। तो देख सकते हैं गाइस स्टिकर लग रहा है। बाकी यहाँ पे भी गया मोटो क्लब्स का भी है, तो आप लोग भी अगर चाहते हैं तो शाम के पास आके लगवा सकते हैं। क्या शाम फ्री में लगेगा नहीं, ऐसे ही फ्री में लगेगा गाइस। तो अभी मैं निकल रहा था राइड पे तो यहाँ पे मिल गए थे भाई लोग, तो लगा रहे हैं मस्त और यहाँ से फिर निकलते हैं ये सब करवा के। फाइनली निकल चुका है कैफे पर से और देख सकते हैं यहाँ पे राइडर हब कैफे का क्या मस्त स्टिकर लग चुका है, और आगे भी गया मोटो क्लब का भी लग चुका है और पीछे में भी लगवा लिया LTD पे। बाकी गाइस अब चलते हैं फटाफट हाईवे पे क्योंकि मेरे को लेट हो रहा है गाइस, और मैं इतना ज़्यादा अगर रुकूंगा तो फिर मैं काफ़ी शाम हो जाएगा पहुँचने में, और मैं सोच रहा हूँ आराम से 4 नहीं तो 4:30 नहीं तो 5 बजते मैं रांची कवर कर लूँ। तो देखता हूँ गाइस पहले हाईवे पे पहुँचने के बाद ही पता चलेगा क्योंकि अभी सिटी का ट्रैफिक थोड़ा मिल रहा है मेरे को। और गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं डोबी और देख सकते हैं क्या मस्त जय श्री राम का झंडा लहरा रहा है ऊपर, और ये लगता है नया ही लगा है फ्लैग क्योंकि हम लोग इतना बार यहाँ पे आए हैं और इतना बार में हम लोग कभी नहीं देखे हैं, मतलब आज पहली बार देख रहे थे, इधर ही लगा लगता है ये 22 तारीख को परसों। तो अभी देख सकते हैं इधर भी मस्त झंडा लगा हुआ गाइस, और भगवा झंडा को देख के क्या अंदर से मतलब दिल से फीलिंग आता है, क्या ही बताओ, एकदम प्राउड फील होता है हिंदू होने का। बाकी गाइस मैं हाईवे पे भी आ चुका हूँ, यही हाईवे से मेरे को चलना है पकड़ के बड़ी तक, और गया से तो लगभग मैं 35 किलोमीटर आ चुका हूँ और बड़ी टोटल लगता पड़ता है गाइस 90 किलोमीटर गया से, 90 या 95 ऐसे ही पड़ता है मेरे को, एग्जैक्ट पता नहीं है कितना है। तो अभी चलते हैं गाइस 35 किलोमीटर आ चुका हूँ और बड़ी टोल टैक्स के पास मैं रुकूंगा थोड़ा सा और मैप वगैरह सेट कर लूँगा वहाँ पर से, क्योंकि वहाँ पर से मेरे को प्रॉब्लम होगा जाने में, तो इसलिए वहाँ पर मैप वगैरह सेट करके थोड़ा सा रुक के चाय वगैरह पी के मस्त वहाँ से फिर निकलेंगे। और देख सकते हैं गाइस मतलब कितना बड़ा बड़ा रोड है ये सब, और ये तो कुछ भी नहीं गाइस, इससे भी मस्त मस्त रोड अभी मेरे को रांची में दिखने वाला है, इसलिए तो मैं जा रहा हूँ क्योंकि रांची का जो रोड का बात ही अलग है गाइस, उधर का मतलब जो वाइब आता है ना रोड पर चलने में क्या ही बताऊँ।
बाकी गाइस ठंड तो मेरे को थोड़ा थोड़ा लगने लगा है, क्योंकि उस जब तो मैं घर से निकला तो उस टाइम मेरे को ठंड नहीं लगा था, क्योंकि 3-4 मैं पहन के आया था, ऊपर से राइडिंग जैकेट भी पहना हुआ हूँ, मतलब राइडिंग जैकेट लेकर मैं 4 पहना हुआ गाइस, तो उस टाइम तक ठंड नहीं लग रहा था। बट अब इधर हाईवे पर आया हूँ तो थोड़ा थोड़ा ठंड लग रहा है। आप देखते हैं झारखंड बॉर्डर पार करने के बाद उधर ठंड लगता है या नहीं। बाकी ज़्यादा दूर है नहीं, झारखंड बॉर्डर भी करीब ही है, बस चौपारण से पहले झारखंड बॉर्डर पड़ेगा, उसके बाद फिर चौपारण, फिर बड़ी, तो बड़ी में मैं रुकूंगा, चौपारण में भी नहीं रुकने वाला हूँ, क्योंकि जितना कम रुकूंगा गाइस उतना ज़्यादा मैं जल्दी पहुँचूंगा। अगर जितना रुक के मैं जाऊँगा उतना मेरे को वहाँ पे लेट होगा पहुँचने में, और मैं सोच रहा हूँ कि शाम होने से पहले पहुँच जाऊँ, क्योंकि फिर गाइस लेट हो जाएगा तो फिर रात में बाइक चलाने में प्रॉब्लम होगा, और ठंड तो इतना ज़्यादा लगने वाला है झारखंड में कि क्या ही बताऊँ, क्योंकि बिहार से जैसे कि ज़्यादा ही ठंड रहता है झारखंड में, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा जल्दी मैं पहुँच जाऊँ वहाँ पे, कैसे मस्त शाम तक वहाँ पे 4-5 बजे बस तक पहुँच जाऊँ। और फिर अभी का टाइम भी मैंने देख सकता हूँ, पैकेट से फ़ोन निकालना पड़ेगा, और ये ग्लव्स लगाने के बाद मैं कुछ भी काम नहीं कर सकता हूँ, मतलब फ़ोन वगैरह निकालना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। तो मस्त मैं भगाया जा रहा हूँ, अभी तो मैं 110-120 तक मैं भगाया था गाइज, बाकी नॉर्मली चलूंगा गाइज, क्योंकि माइलेज भी निकालता जाना और अकेले हूँ तो थोड़ा सेफली भी चलना है, तो चलता हूँ मस्त। गाइज मैं झारखंड बॉर्डर पहुँच चुका हूँ, और ये रहा बिहार बॉर्डर, और इस तरफ मैं क्रॉस कर गया, इधर आ गया हूँ, तो गाइज मैं झारखंड में इन कर चुका हूँ। तो अब जितना भी रोड दिखेगा गाइज वो आपको झारखंड का रोड दिखेगा। ये रहा हमारे सफर का पहला टोल टैक्स, मैं क्रॉस कर रहा हूँ अभी, जो बताया था बरी के पास है, और मेरे को यहाँ पे एक ब्रेक भी लेना है गाइज, क्योंकि लगभग मैं 95 किलोमीटर अब चला के आ ही चुका हूँ बाइक। तो गाइज बरी टोल टैक्स में पार किया और रुकने के लिए जैसे कि बोला, बट मैं रुका नहीं, मैं वहाँ पे स्वेट करके मैं वहाँ से निकल गया गाइज। मैं सोचा कि कहीं आगे रुकूंगा, क्योंकि अभी कुछ ज़्यादा किलोमीटर चले नहीं, और मैप में जब मैं डिस्टेंस देखा तो देख सकते हैं गाइज 153 किलोमीटर और दिखा रहा, और 7 बजे दिखा रहा टाइम पहुंचने का, और 4 घंटा 9 मिनट दिखा रहा और लगेगा। अब पता नहीं ये सही दिखा रहा है या गलत दिखा रहा है मेरे को। मेरे साथ स्कैन देख सकते हैं गाइस, रांची लिख रहा है 132 किलोमीटर और यहाँ पे लिख रहा है 151 किलोमीटर। पता नहीं ये मैप वाला भी जो है ना एकदम मेरे को पागल किए हुए, और मैं फाइनली बड़ी पहुंचने ही वाला हूँ, आगे बड़ी मोर है। तो गाइस रांची 125 किलोमीटर यहाँ पे लिख रहा है, और यहाँ पे लिख रहा है 149। तो ये मेरे साथ हो रहा है गाइस स्कैम, अब पता नहीं ये स्कैम कब तक चलने वाला है। बाकी अब यहाँ से रूट जो है गाइस काफ़ी अच्छा है, तो मस्त बताते हुए चलते हैं। और अमन को भी मैं कॉल कर दिया हूँ, अमन को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था गाइस कि मैं आ रहा हूँ। वाह क्या लग रहा है गाइस, ये रोड इतना तारीफ में क्या ही करूँ गाइस, इसका बहुत खतरनाक लग रहा है गाइस, बहुत खतरनाक सजाया हुआ हाईवे को इधर वही का। और गाइस फाइनली मैं रुक चुका हूँ, ये रहा था हजारीबाग टोल टैक्स, देख सकते हैं ऑगी पे मतलब फुल लोडेड है, बैग वगैरह में मस्त कपड़ा वगैरह भर के ले जा रहा हूँ एकदम वहाँ पे, क्योंकि कुछ दिन वहाँ रह के आना है। बाकी इसका वाइजर मैं चेंज करा दिया था देख सकते हैं गाइस, जो मैं चेंज करवाया कल ही जाके। तो अभी यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे रुकेंगे थोड़ा चाय वगैरह पीते हैं, उसके बाद फिर यहाँ से निकलते हैं। बाकी माउंट वगैरह में लगा के आया तो फ़ोन वगैरह तो खोल लिया हूँ। बाकी मशीन का टायर गाइस देख सकते हैं एकदम रोड पर चला है, क्या परफॉर्मेंस दिया है। तो चलते हैं गाइस यहाँ से चाय वगैरह पहले पी लेते, उसके बाद फिर यहाँ से निकलते हैं। फाइनली यहाँ से चाय वगैरह हो चुका है, और अब यहाँ से निकलने का बारी आ चुका है गाइज, और देख सकते हैं 111 किलोमीटर और दिखा रहा है मैप पे, और मेरे को अभी गाइज हल्का सा आगे रुकना भी है, ये वाला जो मोर है यहाँ पे रुकना है मेरे को, क्योंकि एक भैया है सारे भैया जो गया के ही है और यहाँ आए हुए हैं, तो मेरा स्टोरी मैं अभी लगाया और वो जस्ट देखे मेरे को कॉल की कि हजारीबाग में मैं भी हूँ, मतलब वो आए हुए थे शादी में, तो अभी वो बोले हैं कि मिलते हुए जाने के लिए, तो अभी वो आ रहे हैं, तो यहाँ पे पहले मिलते हैं उनसे और उसके बाद फिर निकलते हैं। मैं वहाँ से निकल के हजारीबाग 5 किलोमीटर ही था, और मेरे को 50 किलोमीटर एक अंकल बता दिए थे, तो यहाँ पे एक बेनेली का शोरूम भी ओपनिंग हो रहा है देख सकते हैं, तो यहाँ पे शायद पार्ट्स मेरा मिल जाए बाइक्स का, तो मेरा सर्विस और भी मस्त हो जाएगा। तो भैया अभी आ रहे, तो यहीं पर बोले हैं मेरे को वेट करने के लिए, तो मैं रुकता हूँ पहले अंदर से आता हूँ, थोड़ा पूछ लेता हूँ कि अगर पार्ट्स वगैरह मिलेगा तो वो भी सही हो जाएगा मेरे लिए। भैया लोग आ गए थे और देख सकते हैं भैया लोग अभी जा रहे हैं मेरे को हाईवे छोड़ने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बेनेली के पास रुके हुए थे और मस्त मिल लिए सारे भैया से। देख सकते हैं भैया लोग अभी लेके आए, क्या मस्त जगह है गाइस हजारीबाग का, ये झील है कैफेटेरिया यहाँ पे, और देख सकते हैं क्या मस्त झील है एकदम बड़ा सा, और अभी भैया लोग मतलब हजारीबाग भी हमको घुमाते हुए निकालेंगे बाहर। मस्त आप मेरे जानते हैं घुमाते हुए सब चीज़ कवर करवा दीजिएगा, सब चीज़ कवर करवा दीजिएगा हजारीबाग भी एक ही ब्लॉग में, मस्त जगह है। बोटिंग वगैरह यहाँ का नहीं होता? अच्छा अच्छा, गाइस यहाँ पे बोटिंग वगैरह भी हो रहा है, आएंगे कभी हजारीबाग भी एक्सप्लोर करना है अच्छा से, तो मिलते फिर जरूर जरूर भैया, ठीक है भैया। तो गाइस फाइनली भैया लोग से हम मिल लिए हैं, और सारे भैया लोग सारे लोग से मिल के यहाँ से अब हमने निकल गया हूँ, और मैं वाइजर भी चेंज कर दिया, और मेरे को तो अब शाम हो चुका है तो हल्का कम दिखने लगा है, क्योंकि ये वाला वाइजर जो है गाइस ये दिन के लिए और रात के लिए, ट्रांसपेरेंट वाला वाइजर साथ में लेकर आया हूँ। बाकी मैप मैं खोल लिया हूँ गाइस, और मैप में
रांची अभी दिखा रहा है 101 किलोमीटर, 2 घंटा 42 मिनट अभी भी टाइम दिखा रहा है। और फाइनली मैं हजारीबाग सिटी भी थोड़ा बहुत घूम लिया हूँ, पूरा तो एक्सप्लोर नहीं किया हूँ गाइस, अच्छे से कभी आऊँगा तो इसको भी एक्सप्लोर करूँगा। बाकी यहाँ से निकलता हूँ फटाफट और देखता हूँ कब मेरे को हाईवे इधर मिलता है। शाम कुछ उतना खास हुआ नहीं है गाइस, बट मेरा वाइजर बंद है तो मेरे को लग रहा है काफ़ी शाम हो चुका है, क्योंकि ऑलरेडी ये रंगीन वाइजर है तो शाम को मेरे को थोड़ा सा भी शाम होता था लगता है काफ़ी शाम हो चुका है। और दिन में भी अगर बहुत भी धूप होता है तो लगता है कि शाम है अभी। और देख सकते हैं अभी मस्त मेरे को जिगजैग रोड मिलने वाला है और मिल ही चुका है, देख सकते हैं पूरा रोड मैप में किस तरह से दिखा रहा है। और मस्त मैप ऑन करके जा रहा हूँ और अभी 83 किलोमीटर और दिखा रहा है रांची, तो चलते हैं ये भी डिस्टेंस को जल्दी से कवर करते हैं, क्योंकि अब भगाते ही मेरे चलना है और पीछे भी मैं अच्छा खासा भगाते ही हुए आया हूँ। तो गाइस देख सकते हैं काफ़ी शाम हो चुका है और अभी का टाइम हो चुका है 5:57 और मैं अभी रांची फाइनली पहुँच चुका हूँ गाइस। अब मैं जा रहा हूँ अभी कोका टोली, मैं पुलिस वाले अंकल से मैं पीछे पूछा, काफ़ी अच्छे थे वो, उनसे मैं पूछा कि कैसे जाऊँ मैं लालपुर, मेरे को जाना है, तो वो कोकर चौक बताएं और कोकर चौक से बोले हैं राइट ले लेने के लिए। तो अभी मैं कोकर चौक मार लिया हूँ मैप पे और कोकर चौक दिखा रहा है 12 किलोमीटर, तो चलता हूँ 27 मिनट अभी भी टाइम दिखा रहा है। टाइम का तो मेरा पता नहीं क्या इशू लगाए हुए हैं मैप वाले ने। और एक तो रास्ता में मतलब हाईवे है मेरे को रोड दिखाना चाहिए, तो ये टाउन में घुसा रहा था मैं, तो कैसे कैसे करके मतलब कि हाईवे ही पकड़ के आया हूँ। अगर मैं मैप के चक्कर में होता तो अभी मेरे को और लेट हो जाता और काफ़ी जल्दी मैं हजारीबाग से रांची पहुँच गया बहुत कम टाइम में। एक तो मैं भगाते भी आया, जैसे कि मैं बताया था कि शाम होने से मेरे पहले पहुँचना है और मेरा टारगेट था गाइस 4:30-5 बजते यहाँ पहुँच जाएँ, लेकिन मेरे को अभी टाइम हो चुका है 6 बज चुका है, मतलब 6 बजने में 2 मिनट अभी लेट ही है, तो 6:30 हो ही जाएगा मेरे को लगता है अमन के पास पहुँचते पहुँचते। तो अभी चलते हैं गाइस, अमन को कॉल लगाते हैं और अमन से पूछते हैं फिर कहाँ पर आना है लालपुर के पास, फिर तो वो रिसीव मेरे को कर ही लेगा। फाइनली मैं लालपुर चौक पहुँच चुका हूँ और अभी मेरे को रेड लाइट मिल चुका है, तो मैं अभी ट्रैफिक में रुका हुआ हूँ और अभी जा रहा हूँ लालपुर थाना के पास, वहीं पे आ रहा अमन तो वहीं से मेरे को रिसीव कर लेगा। बाकी मेरे को गाइस अभी टाइम देख सकते कितना हो चुका है, 6:30 में बोला था मैं पहुँच जाऊँगा और 6:30 में मैं पहुँच गया हूँ गाइस, क्योंकि टाइम का अंदाज़ है मेरे को, मैप तो साला गलती मेरे को टाइम दिखा रहा था। और मिलते हैं अभी अमन से मस्त वहाँ पे थाना के पास जाके। तो गाइस मैं लालपुर थाना के पास आके रुका हुआ था और फाइनली देख सकते हैं अमन आ चुका है अपाची लेके। हेलमेट कहाँ है जी तुम्हारा, हेलमेट कहाँ है तुम्हारा, हेलमेट कहाँ है? अरे पूरा भगवा झंडा उंडा लगाया हुआ है क्या भाई, सोचो अकेले तुम्हारे लिए चल के, अरे गया से आ गए, चलो चलो चलो, गली हमको याद था लेकिन थोड़ा थोड़ा भूल गए। चलो तो कुछ दिन पहले मैं आया था गाइस, तो गली मेरे को थोड़ा बहुत याद था बट भूल गया था, तो इसलिए मैं इसको बुला लिया, क्योंकि कहीं गलत गली में चल गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। बाकी देख सकते हैं इसको मस्त भगाते हुए जा रहा है, चलता हूँ। थोड़ा पापी मैं गाली देता काफी, पर जिंदगी में बढ़ने के लिए कभी ना चाटी 3 बटन से भार।